हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माई पैशन एंड लाइफस्टाइल। आज मैं आपको मॉर्निंग टू इवनिंग का वीडियो शेयर करने वाली हूँ, जिसमें देखिए अभी मॉर्निंग मैं उठी हूँ 7:46 को और अब मैं फ्रेश होती हूँ एंड फ्रेश होने के बाद फिर आपको बताती हूँ कि आज मैं क्या करने वाली हूँ। ये मेरे बाहर का आंगन है और देखिए मैं ब्रश कर रही हूँ अभी और फ्रेश हो जाती हूँ। फ्रेश होने के बाद मुझे ब्रश करने के बाद नाश्ते की ज़रूरत होती है, तो चलिए आज मम्मी ने बनाया था गर्मा गर्म पोहा और हम सब मिलके वही नाश्ता कर रहे थे सामने हॉल में बैठ के। और मैं कुछ डिस्कस कर रही थी मम्मी के साथ में और दीदी के साथ में, तो बस हम यहीं बैठ के नाश्ता कर रहे थे। आज का प्लानिंग बहुत ज़्यादा है मेरा, एक्चुअली आज पापा का बर्थडे था तो वो मेरा ऑफ था, नहीं था ऑफिस का, तो आज ऑफ है मेरा। तो आज मैं अपने पापा का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हूँ अपने तरीके से, तो मेरे साथ कंटिन्यू रहिएगा और देखिएगा कि मैं क्या क्या करती हूँ। तो चलिए अब मेरा नाश्ता हो चुका है, मैं निकल रही हूँ मार्केट के लिए, तो मिलती हूँ मैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अभी, आने के आ गई हूँ मतलब मैं गई थी चिकन लाने के लिए। चिकन लाने के बाद मैं आ गई हूँ और मैंने बोला था मैं जैसे बाहर जाती हूँ तो आने के बाद फ्रेश होती हूँ, प्रॉपर तरीके से नहाती हूँ वगैरह, तो वो मतलब कैसा रहता है ना, डर नहीं रहता है थोड़ा सा। तो अभी जस्ट मैं फ्रेश हुई हूँ, फ्रेश होने के बाद आप लोग से कनेक्ट हुई। वैसे भी मैंने थोड़ा बहुत टाइम हो गया था बात नहीं किया था, तो सोचा आप लोग से कनेक्ट कर लेती हूँ, आप लोग से बात कर लेती हूँ, देन करते हैं हम आगे की तैयारी, ठीक है। आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ आपने पहले की वीडियो में देखा होगा, तो मैं आप भी आपको बताने वाली हूँ आज मेरी मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक की रूटीन जो भी रहेगी वो मैं आप आज से शेयर करने वाली हूँ। और आज स्पेशल डे ये है कि मेरे पापा का बर्थडे था, वो 2 दिन पहले था, तो 2 दिन पहले मैं एक्चुअली जॉब में थी, तो जॉब शुरू हो गई है तो मैं सेलिब्रेट नहीं कर पाई थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं सेलिब्रेट करती हूँ, आज मेरा ऑफ है, तो आज मैं पापा के लिए स्पेशल थाली बनाने वाली हूँ। और स्पेशल थाली में आज मेरी जो डिश है वो आपको आगे पता चल जाएंगी कि मैं क्या बनाने वाली हूँ, सो मैं आपको आगे शेयर करूँगी आपसे कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ, फ्रेश हो गई हूँ और यही था मेरा मतलब, एक्चुअली मुझे सेलिब्रेट करना था क्योंकि मतलब परसों जब पापा का बर्थडे था तो मतलब सब लोग बिजी थे और कुछ अच्छे से सेलिब्रेट नहीं हुआ था। दीदी ने बनाया था केक, बट वो क्या बोलते हैं उसको, हम लोग ने शाम को आके सेलिब्रेट किया था, बट केक कटिंग हुई थी। बट आज मैं चाह रही थी कि मतलब मैं कुछ स्पेशल बनाऊँ, तो मैंने सोचा था कि मैं आज पापा के लिए स्पेशल थाली रेडी करती हूँ तो जो आपको दिख जाएंगी। तो मैं आज डिनर प्लान कर रही हूँ, तो वो अभी मेरा प्रिपरेशन शुरू हो जाएगा थोड़ी देर से, तो मैं करती हूँ उसकी तैयारी। एक्चुअली मुझे थोड़ा बनाने के लिए टाइम लगता है इसीलिए, तो मैं करती हूँ थोड़ी देर से, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। और देखिए आज मैं क्या क्या करती हूँ, क्या क्या बनाती हूँ, तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में, तब तक के लिए डिश। तो चलिए अब मैं कर रही हूँ प्रिपरेशन खाने का, जो मैं रात का डिनर प्लान कर रही थी तो वो रात का डिनर ही है जो पापा के लिए स्पेशल बनने वाला है। एंड मैं कुकिंग करते वक्त ना गाना सुनते रहती हूँ और गाना सुनते सुनते खाना बनाती हूँ। और देखिए मेरी मम्मी साइड से कैसे देखते हुए जा रही थी, मैं वीडियो ऑन करके रखी थी, शूट कर रही थी। तो किचन में आज मेरे साथ में मेरी दीदी भी मेरा हेल्प कर रही थी और देखिए बिहाइंड द स्क्रीन मैं कैसे शूट करती हूँ। और अभी जो मैं बना रही थी वो बटर चिकन बना रही थी, तो इसका वीडियो मैं सेपरेट आपके साथ शेयर कर दूँगी क्योंकि अगर मैं इसमें मैं अटैच करती थी तो बहुत बड़ी हो जाती थी वीडियो इसलिए। और देखिए मैं अपनी कुकिंग की वीडियो कैसे शूट करती हूँ। और मुझे ना खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है और बनाने के बाद जब कोई तारीफ़ करता है तो वाह और भी बहुत अच्छा लगता है, मतलब दिल खुश हो जाता है। तो अभी मैं बना रही थी बटर चिकन, तो सारे उसके प्रिपरेशन था। आज मैंने मेन्यू बनाया, मतलब डिसाइड किया था बटर चिकन बनाने वाली हूँ मैं, स्टीम राइस था
और आगे भी आपको दिख जाएगा और क्या क्या है। तो सारी थाली मैं रेडी करने वाली थी, इसलिए मैं अब आपको आटे का भी बता रही हूँ। आई नो, मुझे पता है कि आप लोग को भी आटा गूंथते आता है, बट मेरा वीडियो ये थाली का है, तो मैं सारा वीडियो आपसे शेयर कर रही हूँ। तो चलिए, मेरी सब्जी भी अब रेडी हो चुकी है, देखिए क्या मस्त दिख रही थी और ये खाने में भी बहुत टेस्टी थी। और उसके बाद सब्जी रेडी हो चुका है, गैस मेरा खाली हो चुका था, तो मैं केक का प्रिपरेशन कर रही थी। केक मेरा एक साइड में बेक होता रहेगा, देन मैं साइड में फिर दूसरे चीज़ का रेडी करती हूँ। तो केक भी मेरा रेडी हो चुका है, और आपने तो देखा ही है मैं केक बनाया है, इसके पहले भी वीडियो शेयर किया हुआ है, तो अभी भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। तो अभी यहाँ पे मैं चावल रेडी कर रही हूँ, देन एक के बाद एक कैसे पूरा काम करना होता है, तो बस वही कर रही थी। अब वो एक साइड बेक कर रही हूँ केक, और एक साइड में कुकर मेरा लगा हुआ है, तो मैं थोड़ा क्लीन कर रही थी। हॉल को बहुत गंदा हो गया था। मेरा काम ऐसा होता है कि मैं कुछ भी करती हूँ तो वो बहुत सारा ऐसा लगता है, बहुत मैशी मैशी सा हो गया, तो सब क्लीन कर रही थी। तो अब क्लीनिंग हो गया है मेरा, यहाँ रायता मैंने रेडी करके रखा हुआ था। तो चलिए, अब गैस खाली हो गया है, तो मैं बना लेती हूँ रोटी। रोटी में डबल शेडेड, मतलब डबल टाइप जो होते हैं ना, डबल रोटी जिसे बोलते हैं, वो नॉनवेज के साथ बहुत अच्छी लगती है, तो मैं वो बना रही थी। एक्चुअली गैस वट्टा मेरा थोड़ा ऊपर था, बट मैं बहुत थक गई थी सच में, और मैं कंटिन्यू किचन में लगी हुई थी, तो मैंने सोचा नीचे बैठ के आराम से बनाती हूँ। तो मैंने गैस अपना वट्टे से नीचे उतार लिया था, और वहाँ मैं रोटी सेकने बैठ गई थी। तो देखिए, मेरी रोटी भी रेडी हो गई है। मुझे ना, मतलब खाना बनाने के बाद कैसे पूरा प्रेजेंट, जो थाली प्रेजेंट करते हैं ना, वो बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए, मेरा केक भी यहाँ पे रेडी हो चुका है, बहुत टेस्टी सा केक बना था, बहुत अच्छा। एक्चुअली मेरी ये वीडियो थोड़ा लेट अपलोड हो रही है, मुझे करना था जल्दी बट हो नहीं पाया था इसीलिए। तो चलिए सेलिब्रेट करते हैं। देखिए, यहाँ पे अब केक कटिंग भी हो गई है, सब लोग आराम से बैठे हुए हैं हॉल पे। और सच में आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। एक्चुअली मुझे करना था पहले बर्थडे सेलिब्रेट, बट वो हो नहीं पाया था क्योंकि मेरा ऑफिस था और मुझे आज ऑफ था, तो मैंने सोचा था कि मैं बर्थडे पापा का कुछ अच्छा था सेलिब्रेट करूँगी। और घर पर फिर मम्मी देखो कैसे, मम्मी को बोला था एक पोज देने के लिए, मम्मी कुछ इस तरीके से कर रही थी। और यहाँ पर भाई लोग भी आए हुए हैं। तो देखा आपने मेरी ये थाली, मैंने बनाया था बटर चिकन, एग भुर्जी, स्टीम राइस, रायता, पराठा, पापड़ एंड कुछ सैलेड थे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी, और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, जो मैंने केक बनाया था, और बाकी का जो है वो मैं आपको सेपरेट वीडियो शेयर कर दूंगी। और आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करना। हमारा खाना भी हो चुका था, तो मैं किचन क्लीन कर रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत गंदा कर दिया था इसीलिए। तो चलिए, अब बहुत लेट हो चुका था क्लीन करते वक्त, पूरा साफ़ सफाई करके, बर्तन वर्तन मांझ के बहुत ज़्यादा लेट हो चुका, ऑलमोस्ट 11:30-12 हो रहा था। और अब मैं फ्रेश होके आ गई हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसे लगा आपको मेरा ये वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और आपने देखा मैंने अभी क्या क्या बनाया, तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होंगी। और अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ इसे लाइक करना, और बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करना। और ऐसे ही आप मेरी वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आपको ये सब कुछ अच्छा लगा होगा, मेरा ये छोटा सा ब्लॉग था, छोटा भी नहीं बोल सकती हूँ, बड़ा ही था थोड़ा, बट जो भी था मैंने बहुत सारा प्रिपरेशन किया हुआ था, और मैंने अपना 100% देने की कोशिश किया है इस वीडियो में, क्योंकि मैंने अपने खुद का एक टास्क लिया था कि मैं अपनी नॉनवेज थाली एक प्रिपेयर करूँगी, जो मैंने किया, और मुझे बहुत अच्छा भी लगा, सबको बहुत अच्छा लगा, जिन जिन ने खाना खाया है सबकी, क्या बोलते हैं इसको, बहुत अच्छा सा, क्या बोलते हैं, नहीं एक वर्ड, मुझे वर्ड नहीं आ रहा है।
तो सबको बहुत अच्छा लगा खाना। तो ऐसे ही मैं अपनी वीडियोस आप तक पहुंचाते जाऊंगी अच्छी अच्छी सी। तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोग भी ऐसी अच्छी सी वीडियो देखें। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय साई राम और गुड नाइट। Thank you.